बसमरिम असल क्या हाल है आप सबकी उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे खूब मज़े में होंगे और सुनाइए क्या हाल है आप सबका तो जी आप लोग सोच रहे होंगे कि आज हम किधर रवा दवा हैं तो हम जा रहे हैं अपनी एक बहुत अच्छी दोस्त से मिलने के लिए जो कि ऑस्ट्रेलिया से आई हुई हैं और पुरानी दोस्तें आपको तो पता ही है कि आपके लिए तो ये ख़ज़ाना होती हैं तो हमने सोचा कि क्यों न जाके उनसे मिला जाए थोड़ी देर बैठ के गप लगाई जाए और कोई पुरानी यादें जो हैं वो ताज़ा करें आप लोग तो जानते ही होंगे कि जैसे जैसे आपकी उम्र गुजरती जाती है टाइम जो है वो पास ऑन होता रहता है तो बहुत सारी चीज़ें नई आपके सामने आती हैं और पुरानी चीज़ें जो है ना वो कहीं बैक ऑफ द माइंड चली जाती हैं तो रोज़ रोज़ लोगों से मिलना पॉसिबल नहीं होता उनके साथ बात करना पॉसिबल नहीं होता मगर अच्छे दोस्त हमेशा वही होते हैं कि बेशक आप सालों बाद उनसे मिलें लेकिन ऐसा ही लगे जैसे आप उनसे कल ही मिले थे अच्छा मज़े की बात यह है कि ये सिर्फ दोस्ती में ही पॉसिबल है रिश्तेदारी में मुमकिन नहीं है रिश्तेदारों से तो आप जब मिलेंगे ना चाहे एक हफ़्ते बाद मिलेंगे तो एक शिकवा शिकायत ज़रूर होगा कि तुमी फ़ोन नहीं कीता तु मिलते नहीं हो तो आंदे नहीं हो तो रिश्तेदारों की तो अलग ही कहानी होती है और उसका अपना ही एक मज़ा है तो हम जी अपने सारी दोस्तों के साथ जो है वो मिलकर पहुँचे हैं मुनल कड़ाही टिक्का लास्ट वीक जब मैंने अपना एक कढ़ाई पॉइंट वाला व्लॉग शेयर किया था तो किसी ने कमेंट्स में मेंशन किया था मैं नाम भूल गई हूँ कि आपने जो है ना ये वाला रेस्टोरेंट ज़रूर ट्राई करना है यहाँ का खाना बहुत अच्छा है अच्छा मज़े की बात ये है कि इस रेस्टोरेंट के रेफरेंस जो है वो हमारी दोस्त ने भी दिया जो हमारे साथ गई थी उनके भी कुछ जानने वालों का इसमें ताल्लुक़ वास्ता है तो बस जी हम जब पहुँचे हमने बारबेक्यू प्लेटर ऑर्डर किया माशाल्लाह ज़बरदस्त मज़ेदार खाना आया हमारे सामने अच्छा यहाँ पे एक बात बताऊँ कि मुझे पिछले व्लॉग में किसी ने कमेंट किया कि आप इतना ज़्यादा ज़बरदस्त बोलती हैं तो मैंने भी रियलाइज़ किया कि शायद ये मेरे पेट वर्ड्स में से एक है और मेरी विकैबलरी का बड़ा इम्पॉर्टेंट पार्ट है तो अक्सर ही मैं इस वर्ड को यूज़ करती हूँ तो मैं कोशिश करूँगी कि अब उसको ना यूज़ करूँ तो जी आते हैं खाने की तरफ तो खाना बहुत अच्छा था बहुत फ़्रेश था और उन्होंने हमें उसी टाइम पर जो है एक चरसी कढ़ाई भी बनवा के दी जो भी बहुत अच्छी थी तो मेरी हाईली रिकमेंडेशन है जो लोग मैसे सागा और उसके अराउंड एरिया में रहते हैं वो हम तो फिर डेढ़ घंटा दूर रहते हैं तो ज़रूर इस रेस्टोरेंट को ट्राई करें खीर इस कदर मज़ेदार थी कि मैं आपको क्या बताऊं और हम खाना खा के इतना फुल हो गए थे कि खीर खाने की ना गुंजाइश नहीं थी लेकिन बस उसकी जो टेस्ट था ना वो हमें मजबूर कर रहा था कि हम एक के बाद दूसरा चमचा ज़रूर अपने मुंह में डालें बाद में पता चला कि इस खीर के इतने मज़ेदार होने की वजह यह भी थी कि यह कॉम्प्लीमेंट्री थी तो जी जजाकल्ला ख़ैर ओनर बहुत हेल्पफुल हैं बहुत ही नाइस जेंटलमैन हैं आप लोगों को अगर इस रेस्टोरेंट में आना है ज़्यादा लोगों के साथ आना है तो ज़रूर पहले से रिजर्वेशन करवाइए और इसका विज़िट ज़रूर ज़रूर कीजिए और जी एंड में हमने कश्मीरी चाय से जो है वो अपने खाने का अख्ताम किया ये भी बहुत अच्छी थी आप लोगों ने इस रेस्टोरेंट में ज़रूर आना है और ज़रूर ट्राई करना है हमें बहुत मज़ा आया जो दोस्त हमारे साथ आई थी उसके साथ हमने वो मज़ेदार किस्म की गपशप लगाई कि मैं आपको क्या बताऊँ खूब सारी तस्वीरें ली खूब सारी बातें की अगली पिछली सारी मेमोरीज़ को जो है वो रिलीव किया जो चीज़ें मैं भूल चुकी थी उन्होंने मुझे याद कराई बहुत मज़ा आया तो अलहदुल्ल अच्छे दोस्त बहुत बड़ी ब्लेसिंग होते हैं तो मुझे किसी ने कमेंट में कहा था कि आप ज़रूर बताया करें कि ये सब चीज़ें कहाँ पर हैं जहाँ आप जाती हैं तो जी ये मिसिस आगा में है और इसका जो है वो एड्रेस मैं ज़रूर अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी ताकि जो लोग यहाँ पर जाना चाहते हैं वो आसानी से जा सकें और कुछ लोग पूछते हैं कि आप अपने दोस्तों का रेफरेंस नहीं देती कि आप उन्हें कैसे जानते हैं तो देखें ज़िंदगी में इतनी स्टेजेस आती हैं आपके स्कूल होते हैं कॉलेज होते हैं आपकी जॉब होती है आपके नेबर्स होते हैं तो जी ये दोस्त थे मेरे साथ कॉलेज में पढ़ाया करती थी जब हम कराची में होते थे और मैंने इनसे पहले छोड़ दिया था मैं दुबई मूव हो गई थी और अब जो है वो हम लोग कनाडा में और ऑस्ट्रेलिया में हैं तो बहुत सारी चीज़ें थी जो कैचअप करने वाली थी बहुत सारी बातें थी जो मुझे नहीं पता थी तो एक दूसरे से बड़े मज़े मज़े के किस्से शेयर किए अपनी फैमिली अपने बच्चों के बारे में बात की और देखें वक्त की तो खूबी यही है कि चाहे अच्छा हो चाहे बुरा जल्दी से गुजर जाता है तो अल्हम्दुलिल्लाह ये वक्त भी बहुत अच्छे से गुजर गया और हमने उनके घर पर ड्रॉप किया उन्हें और इस दुआ के साथ कि जब भी मिलें ख़ुशियों के साथ मिलें आसानी और आफ़ियत के साथ मिलें और वो खैर व आफियत से अपने घर वापस जाएँ और इसके बाद जो है वो हमने वापसी का सफ़र शुरू किया क्योंकि शाम में मेरे घर में जो है वो कुछ मेहमान आ रहे थे और आप यकीन करें इतनी अनएक्सपेक्टेड दावत थी कि मैं आपको क्या बताऊं ये दावत जो है वो हमारे मियाँ और उनके कुछ फ्रेंड्स ने जो है वो प्लान की थी और उन्होंने खुद ही से बीच में बैठने और मीटअप करने का प्लान बनाया साढ़े छः बजे शाम को मैं घर में आई हूँ और आप यकीन करें सवा सात बजे हमारे घर में मेहमान आ गए थे तो इस तरह की दावतें जो हैं वो भी बड़ी मज़ेदार होती हैं कि आपने कुछ नहीं करना है और आपके घर में गेस्ट आ जाएँ तो फिर आप क्या करेंगे तो बस मैंने सबसे पहले तो घर पहुँच के ये किया के टेबल को जो है वो डेकोरेट किया क्योंकि आपको पता है खाने से ज़्यादा ज़रूरी मेरे लिए जो है ना वो प्रेज़ेंटेशन है तो मैंने कहा सबसे पहले तो टेबल सजाया जाए उसके बाद खाने की फ़िक्र करेंगे और मैंने इस मौके को गनीमत जाना कि बड़े दिनों से ट्रक आर्ट का सामान मेरे पास आया हुआ था और कोई मौका ही नहीं मिल रहा था इसको डिस्प्ले करने का इसको इस्तेमाल करने का तो बस मैंने सोचा कि आज ही वो दिन है कि जब ये सारी चीज़ें बाहर निकाली जाएँ और इसमें मज़ेदार से खाने को सर्व किया जाए ताकि हमारे मेहमान भी खुश हों और हमें भी मज़ा आए अपनी नई चीज़ों को इस्तेमाल करने का आप में से किसी ने ट्रक आर्ट का सामान ख़रीदा है अगर ख़रीदा है तो आपके क्या फ़ीडबैक है उसके बारे में देखें इस तरह की चैनक कितनी होती थी पठान के होटलों में लेकिन अब आप देखें कितनी फैंसी होके ये चीज़ें सामने आ रही हैं वही पुरानी पुरानी चीज़ें रिवाइव हो रही हैं हम अपने घरों में यूज़ कर रहे हैं अगर पहले मुझसे कोई कहता है कि इस तरह के प्रिंट की ट्रे या चीज़ें इस्तेमाल करो तो शायद मैं कभी ना करती लेकिन आज मुझे वो बड़ी मज़ेदार और कलरफुल लग रही हैं तो अच्छा लगा मुझे और देखिए मेरी एक जो डिश है ना वो उसके अंदर बड़ी अच्छी सेट हो गई तो अब यानी कि इस ट्रे को आप काफ़ी डिफरेंट तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे अपने हर व्लॉग में मैं आप लोगों से कहती हूँ खाना इम्पॉर्टेंट होता है मगर खाना हर कोई पका लेता है खाना खाने से पहले आप उसे देखते हैं प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करती है खाना अच्छा ज़रूर बनाइए थोड़ा बनाएं अच्छा बनाए मगर उसको बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट करें जो लोग आपके घर आए उनको विजुअली जो है ना वो सब सेटअप बहुत प्लेजेंट लगना चाहिए बहुत अपीलिंग लगना चाहिए यकीन माने आप दाल चावल भी सर्व करेंगे ना तो लोगों को बहुत मज़ा आएगा खाने में मुझे तो दावतें इसलिए अच्छी लगती हैं चाहे वो अचानक हो या प्लैंड हो कि आपके बहुत सारा सामान बेचारा जो कितने अरसे से अलमारियों में पड़ा हुआ होता है इंतज़ार में के इस्तेमाल में आए वो जल्दी से बाहर कूद के निकल आता है और आप उसे यूज़ कर लेते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी चीज़ें मेरे पास हैं मैं उनको वक्तन फ़वकाता निकालती रहती हूँ तो कुछ चीज़ों का बड़े बड़े दिनों बाद जो है ना नंबर आता है तो अलहमदिल्ला ने बहुत नेमतों से नवाज़ा है अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए जो है उस पर खुश होना चाहिए और उसको बेस्ट पॉसिबल मैनर में यूज़ करना चाहिए और जी आपको मैंने बता ही दिया कितनी एमरजेंसी की मुलाकातें थी घर में खाने का मेरा कोई हिसाब किताब नहीं था कि मैं लोगों को कैटर कर सकूं तो हमने जल्दी से पिज़्ज़ा बनाया और मुझे लगा कि बच्चे और बड़े सब लोग शौक से खा लेंगे और अल्हम्दुलिल्लाह पिज़्ज़ा से रिलेटेड सब कुछ मेरे पास घर में मौजूद था तो बात तरीके से अच्छे से दो ज़बरदस्त किस्म के पिज्ज़ा हैं वो हमने बना लिए तो जी जजाक अल्लाह खैर हमारे फ्रेंड्स का जो आए और अपने साथ कुछ ना कुछ खाने को भी लेकर आए और बेचारों ने अपने आप को ख़ुद ही खाना खिला लिया मेरे घर में क्योंकि आपको मैंने बता ही दिया था कि मेरे घर की सिचुएशन क्या थी साढ़े छः में आई और सात बजे से मेहमान आ गए तो उन्होंने खुद भी खाना खाया और हमें भी खाना खिलाया ऐसे प्लान बनते रहने चाहिए शॉर्ट नोटिस पर प्लान बनाने का बस एक नुकसान होता है कि आप सबको नहीं बता सकते और सबको नहीं बुला पाते कोई बात नहीं जो लोग रह गए उन्हें इन शाला ताली फिर बुलाएँगे फिर मुलाकात करेंगे उनसे और आपने मुझे ज़रूर बताना है कि आज के व्लॉग में आपको क्या अच्छा लगा क्या चीज़ आपने मुझसे नई सीखी और मुझे अब फ्यूचर व्लॉग में क्या करना चाहिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मस्ट है आपने इंस्टाग्राम पे मुझे ज़रूर फॉलो करना है वहाँ पे डीएम कीजिए वहाँ पे मैसेजेस का जवाब देना बहुत बहुत आसान होता है और वैसे तो मैं कोशिश करती हूँ कि यहाँ पे भी आपको मैसेजेस का जवाब दूँ अच्छे मज़ेदार मैसेज किया करें पढ़ के मज़ा आता है और बस आज के दिन का अहवाल बस इतना ही है रात को डेढ़ बजे हम फारे हुए और फिर सो गए पेट के और अल्लाह ताला आपको खुश रखे आसानियाँ दें आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ फरमाए देख लीजिए हमारे दोस्तों ने हमें आसानी दी अगर वो हमारे घर आए तो अपने साथ ज़बरदस्त सा खाना भी लेकर आए इससे बढ़ के क्या आसानी होती है तो अल्लाह ताला सब के रिस्क में बरकत डालें फिर मिलेंगे एक नए मज़ेदार से ब्लॉग में तब तक के लिए अल्लाहफ